మెదక్ జిల్లా మాసైపేట గోశాలలో ఆదివారం రాత్రి మార్వడిల ఆధ్వర్యంలో భవ్య జాగరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందనరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గోశాల చైర్మన్ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ మార్వడిలు తమ పుట్టిన గ్రామాలను ప్రాంతాలను విడిచిపెట్టి బతుకు తెరువు కోసం దేశంలోని మూలమూలకు చేరుకుని వ్యాపారాలు చేస్తూ కష్టపడుతూ జీవిస్తున్నారని, మార్వడి కష్టాన్ని అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని, గోపూజలు నిర్వహించాలని సూచించారు. దుబ్బాక శాసనసభ ఎన్నికల్లో మార్వడిలు తనకు ఓటు వేసి గెలిపించడం కోసం ఎంతో కృషి చేస్తారని ఈ సందర్భంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ताली से स्वागत माल्यार्पण हुआ. रघुनंदन जी राव जन जन के लाडले लोकप्रिय विधायक एमएलए साहब, समस्त राजस्थानी प्रवासी भाइयों की ओर से आपका कोटि कोटि स्वागत, मोस्ट वेलकम. बहुत अमूल्य समय दिया अपने को. मेरे सब भाई बहन, माँ, सब लोगों को ये नियोजकवर्ग का एमएलए की तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा. एक अच्छा काम के लिए आप सब लोग इधर बैठा है. गौर रक्षणा आजकल देश में एक बड़ा प्रोग्राम है. लोग समझते हैं गौर रक्षणा करना बीजेपी आने के बाद थोड़ा आगे बढ़ रहा बोल के सोचता है, मगर उससे पहले भी उतना दूर से राजस्थान से आके इधर तेलंगाना में सिटी लो के छोटा बिजनेस से लेकर बड़ा बिजनेस तक करके अगर 10 रुपए आप कमाए तो उसमें से 4 रुपए गौ माता के परिरक्षण के लिए दे रहे. सो आप सब लोगों को मैं नमस्कार और शुभकामना देना चाह रहा हूँ. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में दुबा का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने राजस्थान समाज के लोग इतना आगे आके इधर गौशाला को 10 गौओं से लेकर आज तक 70-80 गौ तक आप इतना इम्प्रूव करें, मैं सही भी आप सब लोगों को धन्यवाद और शुभकामना देना चाह रहा हूँ. आगे आप राजस्थान समाज की तरफ से समाज के हित में जो भी कार्यक्रम लेगा ये कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए के नासिर से मैं आप सब लोगों का साथ देगा. आप सब लोगों का जो भी काम है हम आपके साथ रहेंगे. मेरे मालूम है परसों ऐसे भाई इलेक्शन में आप सब लोग मैं आपसे मिले तो भी नहीं मिले तो भी आपके साथ और आपका फैमिलीज के साथ आपका फ्रेंड्स को पूरा कन्विंस करके भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी का नायकत्व को अच्छा बढ़ाने के लिए आप सब आशीर्वाद दिए. मैं आप सब लोगों को नमस्कार करना चाह रहा हूँ. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है आप जितना अच्छा हिंदी में बात करते हैं, इसीलिए अगर मेरा भाषण में गलत वर्ड्स आए तो मैं आपको माफी मांगना चाह रहा हूँ. मैं जो अच्छा दिन से साफ दिन से मेरा राजस्थान भाई लोग इतना अच्छा बड़ा प्रोग्राम इतना मेहनत करते आप लोग चार फैमिली पांच फैमिली आके एक एक मंडल में एक एक छोटा गांव में रह के उतना दूर से आके अगर मेहनत करना कैसा बोले तो राजस्थान भाइयों को देख के मेहनत का काम सीखे. इतना मेहनत करके कमा के 4 रुपए सोसाइटी के लिए और गौ के लिए आप जो काम कर रहा मैं और एक बार आपको प्रणाम करके ऐसे बड़ा चीज बड़ा कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया मंच पे विराजित पूरा बड़े लोगों को मैं सर झुक के प्रणाम करके आपसे मैं छुट्टी लेना चाह रहा हूँ. धन्यवाद. जय जय भारत. मरीनी अपडेट्स कोसम मा चैनल नी सब्सक्राइब चेयंडी.